एक्सरसाइज 5.2 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कवर करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपी, यानी आपके पास में दो एपी गिवन है 63, 57, 65 एंड 67 सो ऑन एंड 3, 10, 17, इस तरह से आपके पास में दो एपी गिवन है, और कौन सी nth टर्म पे यानी कौन सी टर्म पे आपकी जो ए एन है यानी इनकी जो कौन सी इनकी वैल्यू इक्वल आएगी, यानी 63, 65, 67 आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे कुछ एक ऐसा टर्म आएगा जो कि 3, 10, 17 उसके अंदर भी आएगा, तो वो कौन सा टर्म होगा और वो कौन से नंबर पे होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं assamstudy.com। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन की, और हमारे पास में दो एपीज गिवन है, टू एपीज यानी 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड सेकेंड एपीज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये दोनों जो एपीज है आगे बढ़ते बढ़ते किसी एक टर्म पे दोनों दोनों सेम आएंगी, दोनों इक्वल आएंगी, यानी दोनों का ए एन इक्वल आएगा, ठीक है। अब वो ए एन कौन से एन पर आएगा, कौन से टर्म पर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास में जो दो एपी गिवन है उन सबके पहले उनसे डेटा निकाल के क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं पहले वो देखते हैं। तो हमारे पास में जो फर्स्ट एपी है दैट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ए है 63 और डी है हमारे पास में 65 माइनस 63 दैट इज 2, और ये हमारे फर्स्ट एपी से हम जो डेटा निकाल सकते हैं वो है। और सेकेंड एपी जो हमारी है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, और हमारे पास में इसके लिए भी जो हमारी ए है वो है 3 और जो हमारी जो डी है वो है 10 माइनस 7 यानी a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 यानी कि 7, ये हमारी डी है सेकेंड वाली एपी के लिए। अब हमें पता है दोनों की दोनों कब इक्वल आएंगे, यानी दोनों इक्वल आएंगे इसका मतलब दोनों की ए एन इक्वल आएगी, ठीक है। तो हमें वो ए एन जो है ना हमारी जो दोनों की इक्वल है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए एन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड ए एन ऑफ सेकेंड इक्वेशन बोथ विल बी इक्वल। तो यानी अगर हम इसकी ए एन निकालें, इसको हम कैपिटल ए से शो कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो हमारी जो वैल्यू है इसको तो हम स्मॉल से कर लेते हैं, सेकेंड वन को हम कैपिटल से ले लेंगे। तो ये हमारी इससे ए एन क्या जाएगी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो वॉट इज ए हियर दैट इज 63, वॉट इज एन हियर वी डोंट नो, हमको पता नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है, एंड व्हाट इज डी दैट इज 2, एंड इस कंडीशन में हमारी जो ए एन आ गई है वो आ गई है 63 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, तो ये आ गई 61 प्लस 2n विच इज आर ए एन, ये हमारी ए एन आ गई है। इसी तरह से ए एन हम सेकेंड वाली एपी के लिए भी फाइंड कर लेंगे, तो इसको हम एक बार फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं जो भी हमने फाइंड करी है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके लिए भी हमारे पास में a गिवन है दैट इज 3 एंड n माइनस 1 एंड n हमारे पास में गिवन नहीं इसलिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया, और d की वैल्यू हमारे पास में 7, तो 3 प्लस 7 इंटू n इज 7n माइनस 7, तो a n की वैल्यू आ चुकी है 3 माइनस 7 दैट इज 7n माइनस 4, यानी आपके पास में दूसरी जो a n आएगी यानी जो दोनों इक्वल है वो वाली जो a n आएगी वो 7n माइनस 4 आएगी, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हमें पता है कि दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, किसी nth टर्म पे दोनों इक्वल आएंगे, तो अगर दोनों इक्वल आएंगे तो यानी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन वन इज इक्वल्स टू इक्वेशन टू, ये होगा हमारा आगे आके। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 61, इक्वेशन वन में क्या है ए एन की वैल्यू 61 प्लस 2n, और इक्वेशन टू में हमारी ए एन की वैल्यू क्या है 7n माइनस 4। अब हम क्या करेंगे एन एन वाले को सॉल्व करने के लिए एन एन वाले को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और जो नंबर विदाउट एन यानी 61 ये सब को हम राइट में ले लेंगे, तो 2n माइनस 7n माइनस 4 इधर और राइट में जाएगा माइनस का 61 जो कि प्लस का है, राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो गया तो माइनस का 61 आ गया, ये बन गया माइनस का 65, 2n माइनस 7 माइनस 7n इज माइनस 5n, माइनस से माइनस कट n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 दैट इज 13, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 13 आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर, यानी कि जो 13th टर्म दोनों की आएगी वो दोनों इक्वल आएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें
कमेंट में जरूर बताइए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, या फिर हमें मेल कर दीजिए। तीनों की आईडी आपके यहाँ पे सामने गिवन है, यानी हमारी मेल आईडी और हमारी इंस्टाग्राम आईडी। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं मैथ्स रिलेटेड स्पेशली। सो प्लीज़ हमें वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको सबको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।